आज हम लोग एक ऐसी यूट्यूबर की बात करेंगे जो अब एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम है प्राजक्ता कोहली और उनके चैनल का नाम है मोस्टली सेन। तो इस वीडियो में हम लोग इनकी पूरी जर्नी देखेंगे कि कैसे इनको वो रोल मिला जुग जुग जियो में, और उससे पहले इनकी लाइफ कैसी थी, और यूट्यूबर बनने से पहले भी इन्होंने क्या क्या किया। तो जब ये क्लास सिक्स में थी तो ये रेडियो जॉकी बनना चाहती थी और इनको रेडियो सुनना बहुत पसंद भी था। तो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम के बाद ये एक रेडियो चैनल फीवर 104 की इंटर्न बन गई, पर वहाँ उनको बहुत बर्डेंड फील होने लगा, जिसमें इनका 11 किलो वेट भी घट गया, क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है और उसके ऊपर बहुत बोझ होता है तो ये सब चीज़ें होनी तो काफ़ी जायज़ हैं। तो एक साल बाद वो एक रेडियो शो होस्ट करने लगी जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट्स आते थे, जैसे ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, आयुष्मान खुराना और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर एक ऐसा दिन आया जब इनकी लाइफ पूरी पलट गई, और वो तब हुआ जब इनके रेडियो चैनल पर ऋतिक रोशन और सुदीप लहरी एज गेस्ट्स आए। ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये ही शुरुआत थी इनको जुग जुग जियो की सक्सेस तक ले जाने का। ये ही टाइम था जब इनको अपने यूट्यूब चैनल शुरू करने की इंस्पिरेशन मिली, और वो शख्स जिन्होंने प्राजक्ता को इस चीज़ के बारे में बताया वो सुदीप लहरी थे। तो आज जो मोस्टली सेन चैनल आप सब बहुत मज़े से देखते हैं, उसमें सुदीप लहरी का एक बहुत बड़ा हाथ है, और प्राजक्ता को उनके लिए काफ़ी ग्रेटफुल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कभी भी यूट्यूब चैनल नहीं खोलती हैं तो उनको कभी भी ये धर्मा प्रोडक्शंस की जुग जुग जियो में आने का मौका नहीं मिलता। अब आप लोग सोच रहेंगे कि यूट्यूब चैनल का जुग जुग जियो से क्या कनेक्शन है ना? पर असल बात यह है कि अगर वो यूट्यूब चैनल नहीं चलाती तो उनका जो एक्टिंग वाला टैलेंट है वो कभी पब्लिक के सामने नहीं आता, जिसको देखकर धर्मा प्रोडक्शंस के लोगों ने खुद इनको अप्रोच किया, इनको खुद बोला कि ये उनको ऑडिशंस भेजें, जिसके ज़रिए इनको सिलेक्ट कर लिया और इनको जुग जुग जियो में अपना डेब्यू करने के लिए मिल गया। मतलब धर्मा प्रोडक्शंस की एक मूवी में इनको डेब्यू करने का मौका मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही थे प्राजक्ता कोहली, ऑल्सो नोन एज मोस्टली सेन। इनके सारे फैक्ट्स, आपको सबसे बेस्ट फैक्ट कौन सा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और क्या आपने इनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म देखी है जिसका नाम है जुग जुग जियो, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मज़ेदार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।